वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेज। दोस्तों आज हम जॉइंट के विषय में पढ़ेंगे। जॉइंट दोस्तों दो हड्डियों को भी जोड़ सकता है और दोस्तों एक बोन और कार्टिलेज को भी जोड़ सकता है। जॉइंट दोस्तों पहले देख लेते हैं कैसे होता है। जॉइंट बिटवीन टू बोन और उसके बाद दोस्तों ज्वाइंट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। अब उसके बाद देखते हैं जॉइंट कितने प्रकार का होता है। जॉइंट तीन प्रकार का होता है। जॉइंट आर थ्री टाइप्स। जॉइंट्स आर थ्री टाइप्स। अब देखते हैं पहला टाइप कौन सा है। फाइब्रस है। पहला टाइप दोस्तों फाइब्रस है। दूसरा कार्टिलेजियस जॉइंट है। कार्टिलेजियस जॉइंट। तीसरा होता है सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट होता है। अब देखते हैं फाइब्रस जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है। इसका दोस्तों दूसरा नाम भी होता है, चलो देख लेते हैं उसे। इसे इंग्लिश में इमूवेबल कहा जाता है। इमूवेबल कहा जाता है जिसे हिंदी में अचल कहा जाता है। अचल मतलब दोस्तों होता है जो चल ना सके। उसके बाद इसे कार्टिलेजियस को क्या कहा जाता है, इसे स्लाइटली मूवेबल कहा जाता है। स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल होता है। उसके बाद इसे फ्रीली मूवेबल कहा जाता है। फ्रीली मूवेबल कहा जाता है। ये दोस्तों थोड़ा सा मूवेबल होता है, पूर्ण रूप से मूवेबल नहीं होता है। थोड़ा गतिशील होता है। उसके बाद ये पूर्ण गतिशील होता है। अब चलो देख लेते हैं फाइब्रस जॉइंट कहाँ पाया जाता है। फाइब्रस जॉइंट दोस्तों इसका एग्जाम्पल है फ्लैट स्कल बोन। फ्लैट स्कल बोन दोस्तों हमारे सिर में पाई जाती है। ये इसी फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है। कार्टिलेजियस जॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है सबसे पहले बिटवीन स्टर्नम स्टर्नम एंड रिब्स। उसके बाद दोस्तों ये वर्टिब्रे के बीच में पाई जाती है। वर्टिब्रे के बीच पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है,
तीसरे नंबर पर देख लेते हैं इसे, प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाया जाता है। सिम्फाइसिस में पाया जाता है। सिनोवियल ज्वाइंट दोस्तों कितने प्रकार का होता है? सिनोवियल ज्वाइंट 6 प्रकार का होता है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ज्वाइंट को हिंदी में जोड़ कहा जाता है। ज्वाइंट दोस्तों कहाँ पर हो सकते हैं? दो हड्डियों के बीच में हो सकते हैं ज्वाइंट। उसके बाद दोस्तों ज्वाइंट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज के बीच में हो सकते हैं, बोन और कार्टिलेज के बीच में ज्वाइंट हो सकते हैं। अब देख लेते हैं ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं। ज्वाइंट हमको दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ज्वाइंट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ज्वाइंट होता है दोस्तों फाइब्रस ज्वाइंट, इसे दोस्तों दूसरा नाम है या इसे आर करके अथवा करके इसका दूसरा नाम है इमूवेबल ज्वाइंट, जिसे अचल कहते हैं। जो चल नहीं सकता दोस्तों उसे अचल कहते हैं। इसका एग्जांपल दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है इस टाइप का ज्वाइंट? फ्लैट स्कल बोन में पाया जाता है, हमारे सिर में इस प्रकार का ज्वाइंट पाया जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं कार्टिलेजियस ज्वाइंट। दोस्तों ये स्लाइटली मूवेबल होता, थोड़ा गतिशील होता है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार का ज्वाइंट हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्टर्नम और रिब्स के बीच में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये बिटवीन वर्टिब्रे के बीच पाया जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं, आपको ध्यान रखना है इस प्रकार का भी जो ज्वाइंट है स्टर्नम और रिब्स के बीच पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों वर्टिब्रेट के बीच पाया जाता है। उसके बाद ये प्यूबिक सिनेप्सिस के बीच में पाया जाता है। अब तीसरे टाइप का ज्वाइंट देखते हैं, जिसे सिनोवियल ज्वाइंट कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसे आर करके आपको ध्यान रखना है, इसे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में पूर्ण गतिशील कहा जाता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देख लेते हैं सिनोवियल ज्वाइंट। सिनोवियल ज्वाइंट दोस्तों कितने प्रकार का होता है? सिनोवियल ज्वाइंट आर 6 टाइप, 6 प्रकार का होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों सिनोवियल ज्वाइंट के नाम। सबसे पहले है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा हिंग्स ज्वाइंट होता है, तीसरा पिवोट ज्वाइंट होता है, चौथा दोस्तों सैडल ज्वाइंट होता है, सैडल पांचवा ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स छठा दोस्तों इलिप्सॉइड ज्वाइंट होता है, इलिप्सॉइड ज्वाइंट। चलो दोस्तों देख लेते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में। ये शोल्डर में पाया जाता है, शोल्डर में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये हमारे हिप्स में पाया जाता है। ये होता है दोस्तों जो शोल्डर, ये हमारे ह्यूमरस को दोस्तों ये पेक्टोरल गिर्डल्स को जोड़ता है, पेक्टोरल गिर्डल्स बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट दोस्तों हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है शोल्डर में पाया जाता है। शोल्डर में दोस्तों ये ह्यूमरस और पेक्टोरल गिर्डल्स को जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों ये
बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? हमारे हिप्स में पाया जाता है। अब देखते हैं हिंग्स ज्वाइंट कहाँ पर पाया जाता है हमारे शरीर में। सबसे पहले देखेंगे हिंग्स ज्वाइंट दोस्तों हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? नी में, इसे नी ज्वाइंट कहा जाता है। दूसरे नंबर पर इल्बो में, जिसे कोहनी कहा जाता है, इल्बो ज्वाइंट। उसके बाद तीसरे नंबर पर है हमारे फिंगर या उंगलियों में पाया जाता है। चौथे नंबर पर दोस्तों ये टॉयज में या हमारे पैर में पाया जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों पिवोट ज्वाइंट। पिवोट ज्वाइंट दोस्तों कहाँ पाया जाता है? आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं पिवोट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है। पिवोट ज्वाइंट दोस्तों एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है। एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं सैडल ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है। सैडल ज्वाइंट दोस्तों कार्पल्स एंड मेटा कार्पल्स, मेटा कार्पल्स ऑफ थंब, थंब के बीच में पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट दोस्तों कार्पल्स में पाया जाता है, कार्पल्स में पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं इलिप्सॉइड ज्वाइंट दोस्तों कहाँ पाया जाता है। ये फ्लैंजेज में पाया जाता है, फ्लैंजेज, जिसे दोस्तों डिजिट कहते हैं, इसे फिंगर में पाया जाता है। चलो दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते। पहला दोस्तों ज्वाइंट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो सिनोवियल ज्वाइंट का टाइप है। इसमें दोस्तों बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट दोस्तों हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? शोल्डर में पाया जाता है। शोल्डर में दोस्तों किसको जोड़ता है? ह्यूमरस और पेक्टोरल गिर्डल्स को जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा ये कहाँ पर पाया जाता है? हिप्स में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। अब देखते हैं हिंग्स ज्वाइंट ये कहाँ पर पाया जाता है? हमारे घुटने में या नी में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये इल्बो या कोहनी में पाया जाता है। तीसरे नंबर दोस्तों ये फिंगर या उंगलियों में पाया जाता है। चौथे नंबर पर दोस्तों ये ट्वाइज या पैर में, हमारे पैरों में पाया जाता है। अब देखते हैं पिवोट ज्वाइंट। पिवोट ज्वाइंट दोस्तों हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? एटलस और एक्सिस के बीच में इस प्रकार का ज्वाइंट पिवोट ज्वाइंट पाया जाता है। अब देखते हैं फोर टाइप्स कौन है दोस्तों। सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट दोस्तों कार्पल और मेटा कार्पल्स के बीच, मेटा कार्पल्स के थंब के बीच में पाया जाता है। पांचवा टाइप है दोस्तों ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये दोस्तों कार्पल्स में पाया जाता है। इलिप्सॉइड ज्वाइंट दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है? फ्लैंजेज, डिजिट और फिंगर्स के बीच में ये ज्वाइंट पाया जाता है। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पिंड करना चाहता हूँ। आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी फ्रेंड का धन्यवाद।